हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8। इसमें मैं आपको कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि अभी तक हमने नहीं किए हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमने सारे बता चुका हूँ आपको, और आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री पे, एलजेब्रा पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम लगभग कर चुके हैं कंप्लीट। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ी डिटेल्स को रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज एसएससी ऑनलाइन मेंटर से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एसएससी से जुड़ी तमाम जानकारियां रेगुलरली मिलती रहेंगी। ठीक है, और काफी आप लोगों से मुझे निराशा मिली है कि मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं और आप लोगों का उस प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी पता चलेगा जब आप लोग अपने कमेंट वहां पे दोगे। और लाइक्स भी इतने वीडियोस पे नहीं दे रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं 38 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, दिस विल बी 39th, एंड यू पीपल आर ओनली सेल्फिश दैट डोंट लाइक माई वीडियोस, ओनली व्यू। तो अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट अच्छा नहीं है तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, समझे? तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो मेरा एफर्ट है वो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुँचे, और ये सिर्फ आप लोग कर सकते हो, आपकी मदद के बिना ये इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इन वीडियोज़ को जरूर अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं, शेयर करें अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि मैक्सिमम लोग उसका आनंद उठा सकें। ठीक है, अगर लगता है आपको कि मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं कमी है तो आप उसको कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा वीडियो तब भी आप कमेंट करें, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इम्प्रूव करूं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं वीडियो डालता रहूंगा आप लोगों को पसंद नहीं है तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 8 में कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, तो मैं इनको कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि अप्रोचेस क्या है, शॉर्ट अप्रोचेस। ठीक है, आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शॉर्ट अप्रोचेस पे करेंगे, क्योंकि लॉन्ग अप्रोचेस आप लोग अब सीख चुके होंगे और बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर कट हो जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos 4 थीटा एंड -2 sin, जो भी इस वैल्यू दे रखी है इसका हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ट्रेडिशनली मैं अभी बरवली बता देता हूँ, बाकी आप देखो। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से आप कॉमन निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन निकालो, तो अंदर जो चीज बचेगी, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगी और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बनता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, ये तो आपका ट्रेडिशनली हो गया, बट हमें फॉर्मूला याद नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस टू थीटा का, तो क्या करेंगे ऐसे केस में? करना कुछ नहीं है, वही करना जो मैंने बताया था। सॉरी, थीटा को 0 पुट करना है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस ध्यान ये रहे कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं बनना चाहिए। क्लियर, cos 0 1 और cos 0 1, तो 2 into 1 2 -1 नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। secant 0, secant² 0 डिग्री -sin² 0 डिग्री -2 की पावर sin 4 0। क्लियर, ये भी आपका हो जाएगा cos 4 0 डिग्री -cos³ 0 डिग्री। अब इसका आप एक्सप्रेशन में secant 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 upon cos 0 होता है secant, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर, और ये पूरा 0, नीचे कुछ भी हो बस 0 ना हो। ठीक है, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, दैट इज योर आंसर ए। और काफी क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं ऐसा, बट बस यही ध्यान रखना कि नीचे डिनोमिनेटर में पहली कंडीशन, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0,
सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन, वन और टू मोर ऑप्शंस, ठीक है, आर सेम, देन पुट अनदर वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, कहने का मतलब अगर ऑप्शन दो से ज्यादा मैच कर रहे हैं, अनदर वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर? बस ये दो अप्रोच होती हैं, इसमें इन्हीं को ध्यान रखना होता है और बाकी एंगल आप चेंज करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको इसमें एंगल को घुमाना है। क्लियर? तो ये तो पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिसलेनियस टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20, cos 40, cos 80। इसमें से आपको किसी भी चीज की वैल्यू नहीं पता और तीन टर्म का प्रोडक्ट है। तो ऐसे केसेस में कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आप लिख लीजिए। ड्राइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, मतलब एंगल डबल होते जा रहा है धीरे धीरे। देखिए आप, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर दिख रहा होगा? नेक्स्ट आपका सिमिलर रहेगा, बस कॉस आ जाए। अगर कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, ये आपका किसके इक्वल होगा, 1/4। तो ना आपने ये चीज देखनी है, बस साइन है तो साइन 3 थीटा हो जाएगा और कॉस है तो कॉस 3 थीटा, ठीक है, कॉस 3 थीटा, एंगल इसका ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है? और अगर टेन की फॉर्म में है रिजल्ट, टेन की फॉर्म में पूछ रहा है, तो आपने क्या करा, बस ये चीज ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस होगा ना, पहले थीटा होगा, फिर 2 थीटा होगा, फिर 3 थीटा हो या 4 थीटा हो, जो भी, मतलब एक डबल होता जाएगा, ठीक है। 10 4 थीटा, ये किसके इक्वल होगा, आपका 10 3 थीटा के। क्लियर? बस ये तीन फॉर्मूले आपने रिमेम्बर रखने हैं। क्लियर? इससे ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं करूंगा। इसका अगर आप लॉन्ग मेथड से लोगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो ठीक है, आपने इसको जस्ट एज इट इज क्रैम कर लेना है। क्लियर? तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। cos 20 का मल्टीप्लाई cos 40 का, cos 80 का, 20 का 2 टाइम्स हो रहा है, 40 का 2 टाइम्स हो रहा है। आपको पता चल जाना चाहिए कि 2 टाइम्स जब हो रहा है तो ये होगा आपका फॉर्मूला 1/4 और ये कॉस 3 थीटा। आपका थीटा इनिशियली क्या था, 20 था, दैट मीन्स 1/4 कॉस 20 × 3 मीन्स कॉस 60। और कॉस 60 की आप लोगों को वैल्यू पता है क्या होती है, जो sin 30 की होती है, मीन्स 1/2। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैंने तो ऐसे सीखा था, आप भी ऐसे सीख लेना बेटर रहता है, क्योंकि 60 + 30 90 बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8, ऑप्शन ए। क्लियर? होपफुली समझ में आ गया होगा। बस ये तीन जो फॉर्मूले हैं इनको आप एक जगह लिख लेना, जहां मैंने 7 फॉर्मूले लिखाए थे ना आपको, 7 या 8 फॉर्मूले, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। क्लियर? क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा 2 थीटा 4 थीटा अगर मल्टीप्लाई में हो तो साइन 3 थीटा बनता है, और कॉस थीटा कॉस 2 तक कॉस 4 थीटा हो तो आपका क्या बनता है, कॉस 3 थीटा होता है। बस 10 थीटा 10 थीटा वाले में क्या होता है कि इसमें ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, बस ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, ये दोनों तो सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू ए एंड साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब ऑप्शंस भी देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दे दिए हैं,
पर मैं कहता हूँ कि एसएससी में जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से मिलेगा ना, उतना ही आसान होता है। बस बात क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन की, हम लोग क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। क्वेश्चन को देख के डराना नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, लॉन्ग अप्रोच से नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिजाइन किया गया एसएससी किसी फैकल्टी ने तो ये सोच के डिजाइन किया गया कि उस क्वेश्चन को 30 से 45 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं उसमें। तो जस्ट उस नजरिए से सोचिए, तभी सोच पाओ क्वेश्चन। अब आप पता है यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐसी पुट कर लो, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपकी ये टर्म मतलब निकल आएगी ए और बी की वैल्यू, फिर आप वहां पे पुट करके चेक कर लोगे। सपोज मैंने अल्फा की वैल्यू 30 पुट की और बीटा की 60 की, क्लियर। आप और भी वैल्यू करके चेक कर सकते हो। अब जैसे आपने कॉस 0 रखा है, यहाँ 0 रखने पे, ठीक है, 0 रखने पे आपका ये तो 0 बन गया और ये भी बन गया, बट सारे ऑप्शन 0 आएंगे। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि जब एक से ज्यादा ऑप्शन सेम आए तो आपको वैल्यू या थीटा चेंज करके देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 0 नहीं रखी। तो हम लोग 30 और 60 लेते हैं। तो जब ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां से, कॉस अल्फा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके सामने, मीन्स √3/2, और कॉस 60 की 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √3। सिमिलरली आपका बी की वैल्यू निकल आएगी, बी में आपका अल्फा कितना है, sin 30 1/2, और sin 60 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल। आप लोग कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, ठीक है, ये क्योंकि ऊपर जाता है तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए सी और डी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी में हमेशा बी और डी कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली। ये सीख लीजिए, चीजें क्या होता है कि इनको माइंड में करना होता है, आप हर वक्त पेन नहीं चला सकते पेपर में। कोशिश अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मेंटली कैलकुलेशन में करना है, मेंटली पार्ट जो आपका कैलकुलेशन है वो मेंटली होना चाहिए मैक्सिमम। अब ये जब चीजें आपको ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास होगी, मीन्स हमारा जो एंगल था वो बीटा कितना 60 था, और sin 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, इसका मतलब 3/4, 3/4 जो ऑप्शन मैच करा देगा वही हमारा आंसर होगा। लेट अस चेक, पहले ऑप्शन में हमने चेक किया ए की वैल्यू हमारे पास √3 है, √3 का स्क्वायर 3+1। अब देखो इतने से पता चल रहा है कि ऊपर 4 आ रहा है और नीचे क्या है, 3 -1/3, क्लियर। ये आपका जाएगा 3 3 9 -1, 8/3 मीन्स 3/8, ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 3/2 आ जाएगा, क्लियर। बी बी में देखो ए की वैल्यू क्या है, √3 √3 का स्क्वायर 3 - b की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा आपका 1/3, और नीचे जाएगा प्लस में 3/1+3, क्लियर, 3/1+3, ये हो जाएगा आपका कितना, 9 -1 8/3, ये 3 ऊपर जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 10, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या बनेगा, 2 4 10, और ये 5 4/5, क्लियर। ये भी नहीं बन रहा आपका ऑप्शन, कैंसिल। अब आइए आप सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, 3 -1 दैट इज योर 2, और ये क्या होगा, 3 -1, 1 मिनट, हाँ तो देखो इसमें पुट किया ए स्क्वायर माइनस वन, मैंने डायरेक्ट लिख लिया कैसे, √3 का स्क्वायर -1, क्लियर।
रूट थ्री का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 3, ठीक है। 3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 3 मीन्स 1 अपॉन 3, जिसको कैलकुलेट करोगे 2 इंटू ये जाएगा 3 अपॉन 8 है ना, 9 माइनस 1 8, 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4, ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, क्लियर, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पर हमें लास्ट ऑप्शन तक जाना है, आंसर अभी नहीं मारना है। डी की जो वैल्यू होगी वो देख लीजिए, सीधा पता चल रहा है ऊपर 2 आएगा, ठीक है, 2 तो हमें चाहिए ही नहीं ऊपर में, अब बाकी कैंसिल करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 बाई 3, 2 इंटू 3 बाई 10, दैट इज योर 3 बाई 5, मतलब ये भी ऑप्शन मैच नहीं किया, मीन्स ऑप्शन इज सी, क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और दोबारा से देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का है, मैंने इसलिए मिसलेनियस लिया क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ लिए मैंने, ठीक है, ये मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ इसका कंसेप्ट आपको, बस सोचने वाला पार्ट था इसमें। टेन सेवन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू 1, क्लियर है। अब टेन सेवन थीटा है, टेन टू थीटा मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, क्या बनेगा, 1 अपॉन टेन टू थीटा, क्लियर। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, टेन सेवन थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस सेवन थीटा, क्लियर, ये हो जाएगा कॉट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट सेवन थीटा, सॉरी ठीक है, कॉट टू थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 90 माइनस सेवन थीटा, यहाँ पे 90 माइनस सेवन थीटा कर लेना, ठीक है, ये जाएगा आपका सेवन थीटा इक्वल टू 20, 90 माइनस सेवन थीटा इक्वल टू टू थीटा, ये सारे थीटा है, 90 इक्वल टू 9 थीटा, थीटा इक्वल टू 90 बाई 9, दैट इज योर 10 डिग्री, क्लियर हुआ, दिखा नहीं ना, ये रहा, दोबारा से बता देता हूँ, टेन सेवन थीटा मल्टीप्लाई टेन टू थीटा इक्वल टू 1 था, तो हमने किया क्या, इसमें जो हमारा टेन टू थीटा का फैक्टर था वो हम राइट साइड ले गए, राइट साइड ले जाने से क्या हुआ कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में कॉट टू थीटा बन गया। अब हमें पता है कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो टेन 90 माइनस सेवन थीटा को हम लोग क्या सकते हैं, कॉट 90 माइनस सेवन थीटा, कॉट 90 माइनस सेवन थीटा, ठीक है, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, और मैंने बताया था जब भी दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो रहा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सेवन थीटा प्लस टू थीटा को ऐड करते तो ये 9 थीटा बन जाता, ठीक है, और 9 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 10 डिग्री, क्लियर। अब आपको पूछा इसने टेन 3 थीटा की वैल्यू, आपको पता है थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, सो ऑप्शन इज सी, क्लियर हो गया होगा होपफुली, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, देन द वैल्यू ऑफ sec 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, देखो क्या होगा, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से आपको पता चल रही होगी चीज, क्या
जो साइन 17 डिग्री होती है, मीन्स साइन 17 डिग्री का मतलब ये होगा आपके सामने, जो आपका एक्स है वो क्या आपका परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अब आप एक राइट ट्रेंगल बना लीजिए। अगर आप राइट ट्रेंगल बनाते हो, यही बना लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, क्लियर, थीटा है 17 डिग्री, जो भी आपका एंगल दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या है एक्स और ये क्या है आपका वाई। ये चीज आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से बेस कैसे निकालेंगे, लो जब एक्स वाई है तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर मतलब बेस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू बी। तो ये चीज आ गई आपको, बस ये चीज निकालनी थी। इससे देख के आप आंसर इजिली मार सकते हो। अब जो वैल्यू में चाहिए वो सेक्स 17 माइनस साइन 73 की चाहिए, ठीक है। तो सेक्स 17 को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि 17 डिग्री हमें एंगल पता है, क्योंकि ये हमारा 17 डिग्री पे ही हमने निकाला है। साइन 73 को क्या करेंगे हम लोग, साइन 90 माइनस 17 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। और सेक्स 17 डिग्री जो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस 17 डिग्री। अब सेक्स 17 आपका सेक क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस, मीन्स ये आपको हो जाएगा वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस 17 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कॉस 17 की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाए, जस्ट अपोजिट लिखा जाएगा इनको, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई। बस दोनों को सॉल्व कर लो, क्लियर। नीचे क्या आएगा आपके पास एलसीएम में, ये चीज रहेगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहां पर आ जाए आपका वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल, ये अंडर रूट मिलके क्या बना देगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये साइन क्या है, अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मीन्स सिंपल ये फैक्टर तो नीचे सेम रहेगा, बस ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, तो ऑप्शन जो आपका है वो है ऑप्शन बी, क्लियर। आप एक ट्रिक और यहाँ पे लगा सकते थे कि अपनी पसंद से ऐसी वैल्यू यहाँ पर रख लेते एक्स और वाई की उस वैल्यू मान के, ठीक है, उससे फिर इजी थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता। सपोज आप ना क्या करते, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, इसको 5 रख लेते, इसको 3, इसको 4 रख लेते, तो इजिली कैलकुलेट कर सकते थे। तरीका बट यही लगाना पड़ेगा आपको वहां भी, बट उससे क्या थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ट्रिपलेट आपको समझाया था कि ट्रिपलेट समझाने का फायदा कैलकुलेशन फास्ट करने का होता है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन बहुत सुपर क्वेश्चन है, इसको काफी ध्यान से देखना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो कॉफिशेंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो क्या वो फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर जी, बिल्कुल वो अप्रोच लगेगी हमारे, ठीक है। लगेगी कैसे वो दिखाऊंगा मैं, कैसे लगेगी देखो, हमें पता है ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 1/2 है, पर हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर। तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 का स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, इसका क्या होगा पूरे पे
अंडर रूट मीन्स आपका जो टू, ठीक है, टू माइनस वन बाई टू का जो स्क्वायर होगा वो 1/4 होगा, ठीक है। इसको करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 होगा, ठीक है। फोर टू जा 8, 8 और माइनस 1/4 मीन्स कुल मिला के ये आपके सामने आ जाएगा √7/2, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज सी, ठीक है, ऑप्शन सी। होपफुली क्लियर हुआ होगा, इसमें तो कुछ नहीं करना था, तो मेंटली हो जाता, आपको देखना था कि अच्छा दोनों सेम है, ठीक है भाई सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, 2 माइनस 1/4, ठीक है, 2 माइनस 1/4 आपको पता है, 2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो सीधे से मतलब है कि 0.25 माइनस कर देना है, तो 1.75 को कैसे लिखेंगे, उसका अंडर रूट है, तो आप लोग कैलकुलेट माइंड में बस इतनी कैलकुलेशन आपको लगानी थी, आंसर मार देते, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस लेक्चर, इफ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग देन प्लीज डू कमेंट, अदरवाइज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, क्लियर, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि जो मेरा इनिशिएटिव फ्री एजुकेशन का, वो काफ़ी लोगों को मदद कर सके, और ये सिर्फ आपके जरिए हो सकता है, क्लियर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी समस्या हो एसएससी से जुड़ी, आपको जानकारी कुछ चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी एक्स्ट्रा चीज़ पे लेक्चर बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताते हैं, मैं हर तरीके से आपकी मदद करना चाहता हूँ, बट मुझे बहुत ख़राब लगता है जब आप लोग वीडियो देख लेते हो उसका लाइक नहीं करते हो ना कोई कमेंट करते हो, तो फिर फीलिंग ऐसा होता है कि यार मेरे एफर्ट्स मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहे या मेरे वेस्ट जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा काम करता रहूँगा इसी तरह, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, ठीक है, बाकी आप लोग को समझदार हूँ क्या करना है आपको, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।